और पहचानो, क्योंकि सैकड़ों हजारों नकली नेता वतन में शरण साहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और हम पहचानने में कंफ्यूज है कि हमारा असली वास्तविक नेता कौन है। वास्तविक नेता आपका वास्तव में लीडरशिप रेडी करने वाला नेतृत्व। पूरा भीड़ हो गया तय हो एकदम। आज जो प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय एडमिशन का चौथा दिन हॉस्टल को तो लिया है हॉस्पिटल नाम कार मोटर से सेतार नास्ता और दका को लाइनते पूरा इति प्लेट को पूरा सजा के बनाए से नौका लाइन कुड़ी को कड़ा को गुरा को जुतो के लाइन करते ये पूरा डिसिप्लिन के साथ लाइन लगेगा। नो स्टॉल से लिखे से नोते गोटा स्टॉल लगवा करना दमे गान अड़ी रेको किछु लेकान जतो लेकान जिनिस बुक को ये को इमाते सामान को लुगड़ी को अड़ी गान सामान तो नेल तो बम बका दमे लेकान स्टोन को लगावा का सन ओ गोटा कि चारो धर लगावा कान गा अरनते सई को दन बोली चल कान चल के गेली नेला। हर इमान को छोटा मोटा होटल को लगावा कान के ना पास्ता द चितान ते द मेट्रो चला अन ओ चितान जहां नेलो करा अरे बेरोजगारी शिक्षा चाहिए नई नीति आई है इसमें फिर से कल फिर से वो सिस्टम लाने वाले हैं। तो मुझे बताओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए माँ नहीं मरेगी तो कौन मरेगा। ये विषय इसलिए दिए गए हैं कि आपकी अंदर छुपी हुई जो भावना है ना उसको उजागर करके ये जो पॉलिटिशियन भी दे जो कि भारत मुक्ति मोर्चा महिला की बहुजन मुक्ति पार्टी इनकी अध्यक्ष क्योंकि सैकड़ों हजारों नकली नेता वतन में शरण साहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और हम पहचानने में कंफ्यूज है कि हमारा असली वास्तविक नेता कौन है। वास्तविक नेता आपका वास्तव में लीडरशिप रेडी करने वाला नेतृत्व करने वाला वतन में शरण साहब ही है और इनका साथ सहयोग हम लोग करेंगे बड़े पैमाने पर और अपनी आजादी और अपनी समस्या का समाधान करेंगे ऐसा आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुना। आभार धन्यवाद जय भीम। घरों में निकालकर सिखों के गले में चलते हुए टायर डाले गए क्या इससे प्रमाणित होता है कि सिख कभी हिंदू थे। नई दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है तिलक नगर। तिलक नगर के अंदर एक छोटा सा मोहल्ला है उस मोहल्ले के अंदर लगभग 90% सिखों की आबादी है। आप भरोसा नहीं करेंगे कि उस कॉलोनी के अंदर जितने भी टूरिस्ट थे उस समय के उन सभी को मार दिया। इन्होंने इन्हीं मनुवादियों ने जो चीख चीख कर कह रहे थे कि सिख हिंदुओं का एक हिस्सा है। लेकिन हम अपना दर्द कैसे बयान करें। हमारे पास कोई प्लेटफार्म नहीं लेकिन 1500 किलोमीटर दूरी पर आकर मुझे पता चला कि नहीं एक प्लेटफार्म है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। तो आज मैं अपनी बात रखने के लिए यहां पर आया हूं और आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि वहां पर कंशी दलितों ने क्या किया। 1984 के अंदर बहनों को माताओं को उनके कपड़े उतार उतार कर उनको निर्वस्त्र कर भाइयों के सामने बहनों को नंगा किया गया और तब तक उनके जिस्म को नोचते रहे कंशी दलित जब तक उन बहनों ने अपनी जान नहीं दे दी।
क्या आप ये कह सकते हैं कि एक हिंदू भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? यदि ऐसा कर सकता है तो हमें लानत है ऐसे धर्म पर हमें कहते हुए कि हम हिंदू का एक हिस्सा हो सकते हैं। तो इसलिए हम शर्मिंदगी से नहीं जीना चाहते, हम शान से जीना चाहते हैं, चाहे उसमें हमारी शहादत क्यों ना हो, क्योंकि गुलामी की जिंदगी 100 साल जीने से बेहतर है कि हम 4 दिन की शान से जिंदगी जी लो, जिसके बाद, क्योंकि जिंदगी अगर शान से जिएंगे तो शहादत निश्चित है। आज मुद्दा कुछ लाशें घूम रही हैं जो अब सिखों के प्लेटफार्म पर सिखों को जबरदस्ती हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी लगभग मेरे ख्याल से शायद 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, वहां पर नकली सिखों को कैसे प्रचार किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि वहां पर निहंग सिख आएंगे और वो राम मंदिर के अंदर लंगर लगाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लंगर लगाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये मैंने जिंदगी के अंदर पहली बार देखा है। अधिकार या संविधान के अंदर संविधान ये विशेषाधिकार आदिवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके पूर्व संघर्ष के बदौलत पूर्व में जो उनको अधिकार मिले थे उसके आधार पर दिए थे, और वो संविधान लागू हुआ 1900 नहीं किया, 27 साल हो गए, और 27 साल के बाद